हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बीटेट से संबंधित है। बीटेट के सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी जॉब चाहते हैं, यानी नौकरी करना चाहते हैं, वो शिक्षक बनना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ, उन्हें शिक्षक बनने से पहले उन्हें सर्टिफिकेट लेना होगा। यानी बीटेट के जो भी क्वालिफाइड है उन्हें सबसे पहले सर्टिफिकेट लेना चाहिए, उसके बाद वो जॉब के लिए फाइट करें। सर्टिफिकेट के लिए बार बार डेट बताया गया, लेकिन कोई भी एक डेट फिक्स करके विज्ञप्ति नहीं निकाली गई। इसके विरोध में 3 दिवसीय आंदोलन शुरू हुआ। 2 दिन बीत गए और कल तीसरा दिन है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि 45,000, लगभग 45,000 बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ बहुत ही कम संख्या है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इतनी कम संख्या क्यों, क्या वजह है? मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि संडे, यानी पिछले एक दिन पहले जब आंदोलन शुरू होने वाला था, उससे एक दिन पहले संडे को एक न्यूज आ गया पेपर में कि अगले सप्ताह से वितरित होगा। याद कीजिएगा, डे था संडे। उसमें कहा गया कि केवल ये कहा गया कि हाँ, वितरित होगा अगले सप्ताह से, लेकिन कोई विज्ञप्ति नहीं। बिहार बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल न्यूज नहीं आउट किया गया, कोई ऐसा विज्ञप्ति आउट नहीं किया गया कि इतने तारीख से आपका वितरण होगा सर्टिफिकेट। क्या आपको पता है कि सर्टिफिकेट अभी तक छपा भी है या नहीं? मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एक और प्रश्न उठता है कि यहाँ पे देखा जाए, वास्तविक रूप से देखा जाए तो कुछ कमियाँ बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में भी है। उत्तीर्ण हुए हैं 45,000 समथिंग, आंदोलन में शामिल हुए कुछ ही। अगर है तो इस वीडियो को ऐसे शेयर कीजिए, हर जगह पहुंचाइए और हर उस व्यक्ति को लेके आइए कल, ताकि फिक्स करना पड़े एक डेट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल ही ये चीज थम जाएगा, ये चीज तो कल से स्टार्ट होगा, लेकिन दिखाना होगा उसमें आपको अपना दम, तभी सर्टिफिकेट के लिए एक डेट फिक्स होगा। अभी तो सर्टिफिकेट के लिए आप लोग ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे टूट रहे हैं, ऐसे एकता नहीं दिखा रहे हैं। सोचिए, अगले साल, मैं यहां नहीं रुकता हूं, अगले साल इलेक्शन है, उससे पहले आपको अपनी जॉब फिक्स करानी है, उसके बारे में आप नहीं सोचते हैं। अगर कुछ और लेट हो गया तो जॉब कैसे मिलेगी? इलेक्शन होगा आगे, आप खुद ही समझदार हैं कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए, अब हम आपको ले चलते हैं गर्दनी बाग, जहां हुआ है कैंडल मार्च, उसका लाइव अपडेट दिखाते हैं। वहां आपको संख्या भी पता चल जाएगी और ये भी दिख जाएगा आपको कि क्या न्यूज अपडेट। आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आगे आप खुद समझदार हैं। तो चलिए देखते हैं लाइव अपडेट्स। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहां पर बिहार टीटी 2017 सीटेट उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी संघ के बैनर तले जो है कि आज अपने प्रमाण पत्र को बिहार बोर्ड जब तक जारी नहीं करेगी तब तक ये लोग जो हैं धरना स्थल गर्दनी बाग पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार बोर्ड ने अब तक 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है और अब तक जो है इनका रिजल्ट जारी होने के बाद इनकी प्रमाण पत्र जारी नहीं की गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगे की प्रक्रिया के लिए यह प्रमाण पत्र मुख्य हथियार है इस छात्र के लिए, और आज न जाने कितने छात्र का यह बिहार बोर्ड जो है उनके भविष्य को बर्बाद किए हुए है। तो आइए हम सीधा चलते हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पटना पर, जहां पर बिहार के कितने क्रांतिकारी जो आज बन चुके हैं हमारे अभ्यर्थी, जिनको आज स्कूल में होने की जगह थी, आज वो इस रोड पर गर्दनीबाग देखते होंगे या जहां पे तारे टिमटिमा रहे हैं, आज वहां पे ये सभी खड़े हैं। तो आइए, मैं यहां पर जानना चाहता हूं कि आखिर बिहार बोर्ड की क्या रणनीति है, और इसके लिए मैं बिहार टीईटी 2017 सीटेट उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी संघ के प्रदेश प्रवक्ता दीपक जी से जानना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि आप लोग जो हैं इस रोड पर उतारू हो चुके हैं। 15/5/2018 को शाम 7 बजे हम लोग कैंडल मार्च किए हैं। इसका मतलब साफ है कि बिहार बोर्ड बार बार झूठी आश्वासन देना बंद करे, बिहार बोर्ड को
हमारी एक ही मांग है, बस एक ही मांग, कि बिहार बोर्ड जल्द ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बिहार टीईटी 2017 का प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने की तिथि जारी करे। अगर तिथि जारी नहीं करते हैं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, तो जो हमारा यह धरना प्रदर्शन सा कैंडल मार्च है, वह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह महाआंदोलन के अंतर्गत आपको हम लोग आत्मदाह की तैयारी में भी लग जाएंगे। अतः बिहार बोर्ड के पदाधिकारियों से आग्रह है कि हमारी जो मांग है, बस एक ही मांग, कि बिहार बोर्ड बिहार टीईटी 2017 का प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करे, उस पर अविलंब विचार कर हमें एक सप्ताह के अंदर सभी जिलों में प्रमाण पत्र को भेजने का काम करें। नहीं तो जो आक्रोश दिख रहा है, तो हम लोग अगले महाआंदोलन की तैयारी में लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो आयोजित परीक्षा हुई थी, इसमें काफी संख्या बल में महिलाएं भी इसमें उत्तीर्ण हुई हैं, और यह शर्म करने वाली सरकार की बात है कि आज जिस महिलाओं को सबल बनाने की बात करती है, आज वही सरकार जो है कि महिलाओं को रोड पर उतारने की बात कर उतारने को आबरू हो चुकी है। तो आइए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है। तो इसी कड़ी में बिहार टीईटी पास की हुई 2017 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष संजीला कुमारी से जानते हैं कि आखिर वो क्यों यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। हमारा यही सवाल है कि कोई भी सरकार क्या झूठे आश्वासन से किसी का पेट भरता है, और यहाँ पे नीतीश सरकार बोलती है कि हम महिला को सशक्त बना रहे हैं। यही सशक्त बना रही है, महिला रोड पे है, आपको शर्म आनी चाहिए। शिक्षा मंत्री है, जिनको वहाँ से पूछिए तो झूठा आश्वासन बार बार हमें दिया जाता है कि बस अब सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, अब सर्टिफिकेट बात करते उनकी आंखों में आंसू आ चुकी है। इससे भी बड़ी शर्म की बात इस सरकार के लिए नहीं हो सकती। इसी क्रम में मैं अगली महिला अभ्यर्थी से बात करने जा रहा हूं, जिसके क्रम में आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। मैं बबीता कुमारी औरंगाबाद जिले से आई हूं, और जैसा कि मेरे सभी साथियों जान रहे हैं कि हम लोग यहां पे किस लिए धरना प्रदर्शन किए हैं। सरकार हम लोग को इतना झूठी आश्वासन दिला रही है कि हम लोग अचानक तो उतर आए हैं। बताइए, शिक्षा मंत्री को शर्म आनी चाहिए, और नीतीश कुमार, आनंद किशोर सर, इन लोग जितने लोग हैं बिहार बोर्ड के अध्यक्ष लोग हैं, सभी को शर्म करनी चाहिए कि आज हम लोग को स्कूल में पढ़ाते रहना चाहिए और हम लोग रोड पे आ गए हैं। पटना सीटेट 2017 दिन अभ्यर्थी संघ महासचिव, आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, जितना जल्द हो सके हम सबका सर्टिफिकेट वितरण करें, और जो बहाली प्रक्रिया है, मैं खास करके नीतीश कुमार से आग्रह करती हूँ, बहाली प्रक्रिया उसको भी जल्द से जल्द पूरा करें, और हम लोग इस तरह से रोड पर भटक नहीं सकते हैं। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर हमको भी और आगे जाना होगा, और जुनून भरना होगा, और फिर उग्र क्रांतिकारी के रूप में हम लोग आ जाएंगे। इससे पहले कि हम लोग कुछ ऐसा कर बैठे, आपको ये ध्यान देना होगा कि हम लोग का सर्टिफिकेट जल्दी जारी करें और बहाली प्रक्रिया भी शुरू करें। धन्यवाद। संयोजक आनंद मोहन जी से जानना चाहूंगा कि कैंडल मार्च का आयोजन किस कारण हुई है, और बिहार बोर्ड व सरकार की किन रणनीतियों के खिलाफ आज इन लोग, जहां स्कूल में होनी चाहिए थे, आज ये लोग इस शाम को, इस रात को खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। तो आइए मैं आनंद मोहन जी के पास जाता हूं और वो क्या कहना चाहते हैं। आज दिनांक 15 मई 2018 को हम अपने 14 मई 2018 से जो हमारा महाआंदोलन डेरा डालो घेरा डालो का कार्यक्रम था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि बीटेट 2017 का प्रमाण पत्र जारी करवाना, जो बिहार बोर्ड के टाल मटोल रवैया के कारण अभी तक शिथिल पड़ी हुई है, और भविष्य में भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा प्रमाण पत्र मिलेगा ही। और बिहार बोर्ड ने बहुत ही शातिर तरीके से फिर से वही कहानी, आज मिलेगा, अगले सप्ताह मिलेगा, अगले सप्ताह मिलेगा, फिर से वही कहानी प्रक्रिया स्टार्ट। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर बिहार बोर्ड हमारा प्रमाण पत्र जो है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से लिखित रूप से जारी करने का काम करे, और एक निश्चित तिथि बताए जिससे हमें एक संतुष्टि का भाव हो, अन्यथा हम बेचैन ही रहेंगे और बेचैन आत्मा की तरफ भटकते रहेंगे, और उसी बेचैनी में हमारा आंदोलन और तीव्र होगा, और हम आगे और भविष्य में और अपना आंदोलन तीव्र करेंगे। आज हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखने का काम कर रहे हैं। 3 दिवसीय जो हमारा महा आंदोलन डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम का दूसरा दिन है,
अगर हमारा बिहार बोर्ड अगर हमारी मांगों को अति शीघ्र विज्ञप्ति के माध्यम से नहीं करती है तो हम पुनः एक बार पटना की धरती पर इससे भी बेजोड़ रणनीति बनाकर और इससे भी उग्र उस वक्त प्रशासन को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा और आर पार की लड़ाई होगी साथियों, और उस वक्त पुलिस की डंडे से भी मैं आनंद मोहन डरूंगा नहीं कि पुलिस की डंडे पड़ेगी। मैंने अपनी पात्रता को सिद्ध किया है और मेरे तरह बीटेक 17 उत्तीर्ण सभी साथियों ने अपनी पात्रता को सिद्ध किया है और मैं अपना भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपना अधिकार और हम सभी साथी अपना अधिकार मांग रहे हैं। बिहार बोर्ड जल्दी होश में आ जाए वरना हम लोग उसको होश में लाने का काम कर देंगे और बहुत जल्द करेंगे और इससे भी तगड़ी रणनीति के साथ पुनः अगले एपिसोड में उससे भी भयानक स्थिति में हम लोग आएंगे और ताकतवर स्थिति में आएंगे। इसलिए बिहार बोर्ड इससे भी महाउग्र आंदोलन होगा। बिहार बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कृष्णनंदन वर्मा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कृष्णनंदन वर्मा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार बोर्ड जारी करो, जारी करो, जारी करो। इस खुले आसमान के नीचे जहां महिलाओं को आज घर में होनी चाहिए थी वो आज खुले आसमान के नीचे आने को मजबूर है, आखिर क्या कारण है? बिहार बोर्ड व बिहार सरकार के किन गलत रणनीतियों के खिलाफ ये शर्म करने वाली बात है कि आज वो खुले आसमान के नीचे बिना किसी तरह की सुरक्षा के आज यहाँ आने को मजबूर हैं। तो आइए हम चलते हैं अगली महिला अभ्यर्थी सत्या कुमारी के पास। बीटेट 2017 उत्तीर्ण हुए हैं इसलिए यहाँ पे आए हैं और सरकार ने मेरी मांगे पूरी नहीं की इसलिए हम लोग को ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा। यदि सरकार हम लोग को एक सप्ताह के अंदर प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा तो इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मैं निशा कुमारी जिला इकाई नालंदा दोगी से हूँ और आज हम सभी ने इस धरना स्थल पर आकर ये प्रदर्शन जारी किया है और मैं सीटेट और टेट उत्तीर्ण हूँ होते हुए भी आज सरकार की गलत और अपंग पंगु नीतियों के शिकार होने की वजह से आज हम इस पैनल मार्च को लेकर के यहाँ तक उपस्थित हुई हूँ। सलाम है लोगों को जो अपनी हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को हर जगह हर बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी के पास शेयर किए जाए ताकि एक हुजूम कल उपस्थित हो गर्दनी बाग में और एक साथ आवाज उठे सर्टिफिकेट वितरण के लिए और उसके लिए एक डेट फिक्स हो बोर्ड की तरफ से, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगले साल इलेक्शन है, आगे आप खुद समझदार हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।